बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसे लगे अक्षय कुमार और टाइगर? मसाला मसाला पिक्चर है, पूरा मसाला पिक्चर है। कौन सा कौन वो स्पेशल अपीयरेंस में है? क्या बात है। और फिल्म की बात करें, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन से ज्यादा इंगेज? ये जो पिक्चर है ना, टोटली मसाला पिक्चर है और कुछ नहीं है। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे चल पाएगा, क्योंकि ईद का मौका है? देखिए, ऐसा तो ये है कि अली अब्बास जफर ने जो पिक्चर बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त से एक्शन से भरपूर है, लेकिन गाने भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। गाने ठीक है, ठीक है। कितने स्टार देना चाहेंगे? तीन तीन। बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसी लगी फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर? इट्स गुड। क्या बात करें। इस फिल्म की केमिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन से ज्यादा इंगेजिंग रही? सेकंड हाफ फुल एक्शन है, फर्स्ट हाफ में स्टोरी है, मतलब सेकंड हाफ में स्टोरी एस्टेब्लिश हो। या ओके। और ओवरऑल फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 3.5/5। ऑडियंस को कोई मैसेज? नो, जस्ट वॉच इट इन 3D। कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हैं? मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभी देख के आया। तो कैसा लगा उन दोनों की केमिस्ट्री, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ? सो दोनों ने मतलब अच्छी एक्टिंग की है, एंड आई थिंक सो मतलब दोनों ने मतलब उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, बट एक्टिंग वॉज नॉट दैट ग्रेट एज उनका होना चाहिए। ए रिस्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन और गोविंदा से पहले इस शो मूवी जैसे कर चुके हैं, तो कैसा लगा उनको मात देते हुए नजर आए अक्षय कुमार और टाइगर? जो पुरानी वाली मूवी थी वो मतलब काफ़ी अलग टॉपिक पे बेस्ड थी, ये अलग टॉपिक पे बेस्ड है, तो मतलब उसको कंपेयर करना सही नहीं होगा। फर्स्ट आई वुड से सेकेंड हाफ वॉज मच बेटर, लेकिन फर्स्ट हाफ कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच लिया था, एंड आई डोंट थिंक सो कि 3 hours देना फॉर दिस मूवी इज वॉट, इसलिए इस फिल्म को कितने रेटिंग देना चाहेंगे? मैं 2 stars दूंगा, 1.5-2 stars से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के रिलेटेड? ईद पे रिलीज हुई तो क्या लगता है चल पाएगी? एक मास एंटरटेनर है, मास सर्किट में चल जाएगी, बिकॉज इसमें मिर्च मसाला सब है, सो उन लोग को अच्छी लगेगी, बट अर्बन एरियाज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। हर्षोदय ऐसे 11 तारीख आज बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज हुई। नहीं, मैदान तो मैंने कल ही देख ली थी ऑलरेडी गेटी में, और आज जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ फर्स्ट 3D में, और थोड़ा म्यूजिक अच्छा है इसके लिए मैं बोला 3D में देखते, तो 3D में देखी मूवी, ठीक है। और अली अब्बास जफर ने जो उनका बेस्ट देना चाहिए उन्होंने दिया है इसमें, मतलब और मतलब यह है कि अली अब्बास जफर छुपे रुस्तम है, और जो कि जो टेलर में दिए वो मतलब है टेलर के हिसाब से मूवी, टेलर सही नहीं था, मूवी अच्छी है। हाँ नहीं, जमीन आसमान का फ़र्क है। वो डेविड धवन सर ने ये उसका डायरेक्शन किया था, वो कॉमेडी थी, फुल कॉमेडी थी, मतलब पब्लिक जो है सीट से नहीं उठी, वो पकड़ के रही। ये एक्शन मूवी है, ये आप जहाँ तक हो सके आप डायरेक्ट इसको हॉलीवुड मूवी बोल सकते हैं। हाँ, नहीं पहली बात क्या है, मैं सिर्फ बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ही आपको दूंगा रिव्यू, क्योंकि वो देख क्या है उसका ही दूंगा। हाँ, देखो ये जो है मूवी जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है, जो हमारे मुस्लिम भाई को चाहिए वो है, पूरा का पूरा है, एक्शन है, सब कुछ है, ये है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिट होगी कि फ्लॉप होगी कि या ब्लॉकबस्टर होगी, हाँ ये है कि आपका पैसा वेस्टेड नहीं है, ये मूवी जो है देख करके आपको ये लगेगा। हाँ, ये भी नहीं है कि अक्षय कुमार बोले कि मैं ये पिक्चर से ऊपर आ जाऊँगा, मेरी इतनी फिल्म फ्लॉप, ये नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये है कि उन्होंने इसमें सब लोग अपना अपना काम किया, बेच दिया है, अच्छी है, 1 time वॉच है और एवरेज मूवी है। 3.5 ऑडियंस को तो मैं बोल दिया ना कि 1 time वॉच है, आपका पैसा वेस्टेड नहीं जाएगा, आप मूवी देख सकते हैं। हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसी लगी ओवरऑल फिल्म आपको?
आई थॉट दैट द फिल्म वॉज ओवर एग्जैजरेटेड, थोड़ा ज़्यादा खींच दिया उन लोगों ने, और एक्शन सीक्वेंस भी ऐसा था कि अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ ने जब पहले शुरू किया तो मारते ही जा रहे कुछ नहीं हो रहा, एंड जब ख़त्म करना है तो एक मिनट में हो गया, एंड सीक्वेंस थोड़ा सा अनरियलिस्टिक कर दिया उन लोगों ने शूट के टाइम, तो वो थोड़ा सा मैदान, आई थिंक मैदान वुड बी अ बेटर चॉइस टू वॉच। टू एंड हाफ पॉइंट बाई फाइव। फिल्म अबव एवरेज फिल्म है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी उस तरीके से काफ़ी उतरी नहीं है, बट फिल्म को देखा जा सकता है। फिल्म में एक्शन अच्छा खासा है, फिल्म में अक्षय कुमार ऑफ कोर्स टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार की जो जोड़ी है वो यूनिक लग रही है। अलाया फर्नीचर वाला वॉज लिटिल टू अट्रैक्ट, क्या उसको बोलते हैं, टू नहीं 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 वो थोड़ी ओवर एक्टिव, हाँ ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिव मुझे उनका काम अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बेटर किया जा सकता था। मनुषी चिलर वॉज वेरी ग्रेट, शी हैज़ अ पोटेंशियल, शी कैन प्ले इन एक्शन फिल्म, बट उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, जैसे दिशा पाटनी कैसे अपने ऊपर काम करती है इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड ऑल, उसने काम करना चाहिए। फर्स्ट हाफ एवरेज है, सेकेंड हाफ अच्छी खासी है। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, रोबोटिक्स के बारे में बताया गया है, गलत लोगों के हाथों में अगर एआई अगर आ गया तो किस तरीके से देश को खतरा हो सकता है, वो सारी चीज़ें फिल्मों में बताई गई है। मैं 2.5 से 3 स्टार देना चाहूँगा। ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा, ईद का मौका है, छुट्टी है, जाके फिल्म को इन्जॉय करे हो, और देखो आपको, आप भी बताओ कैसे लेगी फिल्म। जय हिंद। मैंने मूवी देखी बड़ी मियाँ छोटी मियाँ, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, और मुझे मूवी एवरेज लगी। मुझे लगता है कि मूवी और अच्छी हो सकती थी, स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता था। इट्स अ वन टाइम वॉच, मास एंटरटेनर है बिकॉज ऑफ फुल पावर हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स, बट मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया, और सेकेंड हाफ आते आते, हालांकि सेकेंड हाफ बहुत एंटरटेनिंग है एक्शन की वजह से, पर स्क्रीन पे और अच्छा हो सकता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये मूवी है, क्योंकि उसे कैसे यूज़ या मिसयूज़ किया जा सकता है एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ने ही बहुत अच्छे से एक्शन फिल्म्स की सीन्स किए हैं। मार्सिन लास्कोविच की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है। 20-25 मिनट एडिट हो सकती थी, स्टीवन बर्नार्डिस के एडिटर को मैं बोलना चाहूँगा। डायरेक्शन भी डिसेंट है, बट म्यूज़िक मुझे वीक लगा। विशाल मिश्रा का 1-2 ही अच्छे सॉन्ग्स हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी बिल्कुल कॉमन है, कुछ ऐसा नथिंग टू शाउट अबाउट। और मुझे लगता है कि इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एंटैगनिस्ट बने हैं, उनका रोल बहुत नोटवर्दी है। देखिए वो तो ब्लॉकबस्टर थी और वो अलग ही, क्योंकि उसमें कॉमेडी ज़्यादा थी, तो उसका कॉमेडी का जो उन्होंने तड़का लगाया था वो आज तक हमारे जहन में बसा हुआ है, और उसके फ्लैशेस आज भी आ जाते हैं आंखों के सामने। बट जहाँ तक ये मूवी एक्शन फिल्म है, तो इन एक्शन भी मतलब एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टोरी और एग्जीक्यूशन तो अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह अच्छी है और प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा इमोशन भी होता एक्शन के साथ तो और अच्छा होता। म्यूज़िक ढीला है, एडिटिंग और 20-25 मिनट हो सकती थी, तो उसकी वजह से मैं 3 स्टार्स फिर भी दूंगा, क्योंकि मास एंटरटेन है। इसलिए ऑडियंस को बोलूँगा, ईद के मौके पे सल्लू भाई अपनी मूवी लेके आते हैं, शाहरुख भाई ने ऑलरेडी 3 मूवी हिट कर दी, तो इस बार कोई और मैदान मूवी है जिसके भी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो ये दोनों मूवीज ही हैं। पीपल शुड गो एंड वॉच इट, इट्स डेफिनेटली वन टाइम वॉच, तो जाइए और देखिए, एक बार देख सकते हैं। बेकार, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बेकार, नींद खराब हो गई मेरी, पसंद नहीं आई, नो रेटिंग।